ऑनेस्टली अगर शहबाज शरीफ और ये पूरा चोर टपर आ गया, आवर डेस्टनी आवर फेट इज डूम्ड, हम मर जाएंगे, हमें ये बेच के हमारे भेड़िए हमारी गोश्त तक खा जाएंगे, इसको इनको कभी ना आने दें वापस। आप ये देख रहे हैं इस वक्त मैं जो ख़वातीनों हज़रात यहाँ पर एक उनका जमे गफ़ीर है, लोग यहाँ पर दूर दूर से आए हैं, यहाँ पर लोगों की बात हुई है, वो फॉरेन से भी आए हैं, वो पाकिस्तान के मुख्तलिफ हिस्सों से आए हैं, लोगों का जोश जज्बा आप मेरे साथ इधर देख रहे हैं। अब हम आपको लेकर चलते हैं, यहाँ पर दिखाते हैं लोग किस कदर जज्बे, उनका क्या जज्बा है, क्या जोश व खरोश आए हैं मेरे साथ। यहाँ पर आप पीटीआई के झंडे देख रहे हैं और लोगों से बात भी हम आपकी करवाते हैं कि क्या आखिर वजह है जिसकी वजह से वो यहाँ पर आए हैं। ये देखें, लोगों का कहना यह है कि हमें महंगाई इमरान खान की मंजूर है, इनसे बात करते हैं क्या कहना जी। इंपोर्टेड हुकूमत ना मंजूर, बेसिकली बात ये है कि हमारा एक ही लीडर है, दैट इज इमरान खान, कोई लीडर नहीं है इसके अलावा इस मुल्क के अंदर, और ना इस मुल्क को सही रास्ते पे कोई चलाएगा इमरान खान के अलावा। ऑनेस्टली अगर शहबाज शरीफ और ये पूरा चोर टपर आ गया, आवर डेस्टनी आवर फेट इज डूम्ड, हम मर जाएंगे, हमें ये बेच के हमारे भेड़िए हमारी गोश्त तक खा जाएंगे, इसको इनको कभी ना आने दें वापस। ये बताएं कि ऐसी इमरान खान में क्या ऐसी खूबी है और ये जो शहबाज शरीफ आप कह रहे हैं उनमें ऐसी कौन सी कमी है। खुदा के लिए, एक ऑनेस्ट आदमी को आप एक ऐसे आदमी से बुला रहे हैं जिसके ऊपर इतने मुकदमे हैं खरबों रुपए के, उसको ये भी नहीं पता कि उसके चपरासी मसूद चपरासी के अकाउंट में कितने आगे पैसे आ गए, उसको ये भी नहीं पता। आप किस आदमी को किस से मिला रहे हैं, फरिश्ते को एक शैतान से मिला रहे हैं आप, खुदा का खौफ करें। खान साहब जैसे जैसे कॉल देंगे आप लोग वहाँ वहाँ पहुँचेंगे, हम जाएंगे, हम जहाँ पे भी हुए हम जाएंगे। जी नाज़रीन, आपने देखा कि खान साहब की कॉल पर वो लबैक कहने वाले लोग हैं। इस वक्त अगर मेरा कैमरामैन आपको दिखाए तो ये मुकम्मल यहाँ पर ये खचा खच ये जो पंडाल है वो भर चुका है, लोग एक जज्बा है उनका। नाज़रीन इस वक्त मेरे साथ आप मेरे बिल्कुल पीछे देखें तो ये गेट है जहाँ पे जो ये फैमिली के एनक्लोजर है, यहाँ पर अभी भी लोग जोक दर जोक आ रहे हैं, अभी भी वहाँ पर इस कदर रश है कि तिल धरने की जगह नहीं है, लेकिन जो ख़वातीनों हज़रात हैं वो बड़ी तादाद में यहाँ पर आ रहे हैं। मेरे पीछे अगर आप देखें तो मुकम्मल तौर पर जो पीटीआई के जो वर्कर्स हैं वो लोगों को बड़े आसान तरीके से यहाँ पर उन्हें दाखिल कर रहे हैं। मेरे अगर आप बाएं जानब देखें तो यहाँ पर ख़वातीनों हज़रात की बड़ी तादाद जो कि फैमिलीज़ के साथ आई हैं वो यहाँ पर मौजूद हैं। इसके अलावा यहाँ पर वाशरूम का भी इंतज़ाम किया गया है, यानी जो यहाँ पर आने वालों को मुकम्मल फैसिलिटेट यहाँ पर किया गया है।